नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें रात को 1 बजे सांप की निकलने की आवाज भी आई और पूछे दिख रही थी बाहर से। दोस्तों, मगध एक्सप्रेस के एसी कोच में सांप निकलने से हरकंप मच गया, जहां पर यात्री के अंदर काफी ज्यादा डर है। फिर ट्रेन को अगले स्टेशन पर रुकवा कर जांच किया गया, फिर जो हुआ उसे देखने लायक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उस बोगी में मौजूद जो यात्री ने सांप को देखा उनकी बात को सुनाते हैं, इसके बाद फिर हम आप सबको पूरी कहानी को समझाते हैं। हस्बैंड ऊपर सो रहे थे तो उनको आवाज चीची का जैसा आवाज आया, उसके बाद अब ये दो तीन लोग से बोल रहे हैं कि देखिए आवाज आ रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने यात्री की बात सुना और अब आइए हम आप सबको पूरा डिटेल से बताते हैं कि आखिर घटना क्या हुई थी। दोस्तों, यह घटना मगध एक्सप्रेस के एसी कोच की है, जहां पर करीब रात के 1 बजे सांप के निकलने यानी चलने का उसका आवाज यात्री को सुनाई देता है। फिर वह अकबका कर सोया हुआ था उठ जाता है और वह देखने लगता है कि आखिर यह आवाज कहां से आ रही है। उसकी पत्नी भी वहां थी, उसके छोटे बच्चे भी थे, वो भी सोए हुए थे। जब देखा गया तो बस सांप का छोटा सा पूंछ बाहर दिखाई दिया, जिससे वह यात्री तुरंत पकड़ कर खींचने लगा ताकि कोई भी सांप हो तो वह निकल जाए। बट यात्री का कहना था कि उस सांप को खींचने के बाद वह सांप बिल्कुल बाहर की ओर नहीं आ रहा था, मानो वह फंस चुका हो। 2-3 बार यात्री प्रयास किया खींचने का, नहीं निकलने के बाद उन्होंने वीडियो बनाया और इस वीडियो को उस बोगी में मौजूद टीटी और आरपीओ को दिखाया। जब अधिकारियों ने यह चीज देखा तो उन्होंने अगले स्टेशन पर इसकी जानकारी दी। तुरंत उस स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन पहुंचती है, ट्रेन को रुकवा कर फिर रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है और जांच शुरू हो जाती है। जांच करने के दरमियान पूरे बोगी में छानबीन किया जाता है, लेकिन कहीं पर कुछ पता नहीं चलता है। वही दोस्तों, करीब इस ट्रेन को स्टेशन पर 10 से 20 मिनट ट्रेन रुकवा कर जांच किया गया, लेकिन अधिकारियों ने वीडियो में जो देखा, साफ साफ अधिकारी ने जो कहा, आइए हम उसको भी सुनाते हैं। देखा है, ये तो क्लियर हुआ कि सांप है, अब लेकिन खोजने पर कहीं मिला नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि अधिकारी ने खुद इस बात को बताया कि जब वो वीडियो देखे उनको भी लगा कि हाँ, इस बोगी में सांप है। और उन्होंने ये भी बताया कि हाँ, सांप है, लेकिन वह सांप कहाँ छुपा हुआ है इसका कोई खबर नहीं है। रेस्क्यू टीम ने अपना जो भी उनके पास इक्विपमेंट था उनसे जांच किया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद ट्रेन को उस स्टेशन से रवाना कर दिया गया। बाकी दोस्तों, जब ये सांप निकलेगा तो जरूर उसे पकड़ लिया जाएगा। जो मंजर था दोस्तों, वह काफी ज्यादा डरावना था। आप लोग को बताया कि जब घर में भी सांप निकल जाता है तो लोग कितना डर जाते हैं। तो दोस्तों, बोगी याद रखिए, ट्रेन चल रही है और उस दरमियान ट्रेन में सांप निकल जाए तो कितना भयानक हो सकता है। तो दोस्तों, यही एक छोटी सी अभी मुझे जानकारी मिली थी। दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार ट्रेन से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आप सबको इस चैनल पे हमेशा ट्रेन से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।